नमस्कार साथियों, मैं रामकुमार विश्नोई गुरु नरसिंह अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। गुरु नरसिंह अकेडमी एक ऐसा नाम, एक ऐसा प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जो पास्ट 6 ईयर से, पिछले 6 साल से आपके साथ कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के, एज ए मेंटर, एज ए गाइड, एज ए फ्रेंड आपकी हेल्प कर रहा है टू अचीव योर ड्रीम्स। सक्सेस हासिल करने में, सफलता हासिल करने में बराबर जुटा हुआ है और ये प्रॉमिस है कि आगे भी इसी प्रकार हेल्प होती रहेगी। देखिए डियर, सफलता जब आती है तो उससे पहले बहुत सारी कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कंडीशंस होती हैं वो है, कंडीशन होती है वो है कंटिन्यूटी, लगातार मेहनत। एक दिन मेहनत नहीं, एक महीने मेहनत नहीं, बल्कि कंटिन्यूअस जितनी भी ड्यूरेशन है उसमें मेहनत किए जाना। सफलता कहीं नहीं जाएगी, आपके कदम चूमेगी। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि सफलता एक दिन से नहीं मिलती, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलती है। हार्ड वर्क विथ कंटिन्यूटी इज द प्राइम की टू गेट सक्सेस। उसी कड़ी में हम नर्वस सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम में आज का जो टॉपिक है वो है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ में क्या पढ़ना चाहिए, देखिए माइलिन शीथ से 4 या 5 सेगमेंट से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला कि माइलिन शीथ किसकी बनी होती है। माइलिन शीथ इज मेड अप ऑफ, और 4 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन आएगा। सेकंड क्वेश्चन आएगा माइलिन शीथ विच सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ बनाने के लिए कौन कौन सी सेल्स रेस्पॉन्सिबल होती है, CNS में और PNS में। थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ माइलिन शीथ, इनमें से कौन सा फंक्शन है, इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। और लास्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट विच डिजीज अकर्स ड्यू टू डीमाइलिनेशन ऑफ माइलिन शीथ। अगर माइलिन शीथ टूट जाए, डीमाइलिनेशन हो जाए, तो कौन सी डिजीज पैदा होगी CNS में और PNS में। ये 4 छोटे सेगमेंट्स हैं, जरूरी सेगमेंट्स हैं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइलिन शीथ। देखिएगा डियर, आज की क्लास में अगर बात की जाए माइलिन शीथ की, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही कि माइलिन शीथ होती क्या है और माइलिन शीथ बनी किसकी होती है। देखिए डियर, इस क्वेश्चन का जवाब दे दूं मैं आपको। पहले ये देखिएगा, आपके सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम को गौर से अगर आप देखें तो ये न्यूरॉन है और न्यूरॉन का ये एक्सॉन है। एक्सॉन पे ये छोटे 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 जो ब्लैक ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, या फिर ये एक सोमा है, ये इसका एक्सॉन है न्यूरॉन का। इस पे ये जो छोटे छोटे ब्लॉक नजर आ रहे हैं 1 और 2, इन ब्लॉक्स को, इन ब्लॉक से पूरे न्यूरॉन पर बनने वाली कवरिंग को किस नाम से जाना जाता है, माइलिन शीथ के नाम से जाना जाता है। पहली चीज, माइलिन शीथ बनी किसकी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। माइलिन शीथ किसकी बनी होती है, ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना हमें। ये एक एक्सॉन है ट्रांसवर्स सेक्शन में, इसको देखिए, ये एक एक्सॉन है और इस एक्सॉन के ऊपर, एक्सॉन के ऊपर लपेटे खा रही है कोई सेल। कोई सी सेल है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कौन सी सेल है। ये एक सेल थी, इस सेल को पकड़ के आपने इसके ऊपर लपेटे खिला दिया, ये आगे जाएगी फिर लपेटे खा जाएगी। एक सेल चारों तरफ गोल 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 लपेटे खा गई एक्सॉन के, बिल्कुल सेंटर में एक्सॉन है और उस एक्सॉन के चारों तरफ एक सेल ने लपेटे खा लिए हैं। बाद में क्या होगा, ये जो जितनी भी लेयर्स बनी हैं, ये सारी लेयर्स फ्यूज हो जाएगी, सारी लेयर्स आपस में फ्यूज हो जाएगी और एक मोटी परत बन जाएगी, एंड दैट लेयर विल बी नोन एज ए माइलिन शीथ। उसको माइलिन शीथ कहा जाएगा। इट मींस माइलिन शीथ किसकी बनी है, सेल्स की। कुछ सेल्स हैं जिन सेल्स ने, जैसे ये मार्कर है आपके सामने, मार्कर एक्सॉन है और मेरी मुट्ठी ने इसको लपेट दिया है, तो मेरी जो मुट्ठी है, मेरी स्किन है, वो है माइलिन शीथ और अंदर एक्सॉन नजर आ रहा है आपको। जितनी लेयर से ये सारी फ्यूज हो जाती हैं और फ्यूज होने से किसका फॉर्मेशन होता है, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन होता है। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि माइलिन शीथ किसकी रैपिंग से, किसके लपेटे खाने से बनती है, सेल्स के लपेटे खाने से बनती है। अब क्वेश्चन निकल के आता है, सेल की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यह सेल है, सेल के अंदर सेंट्रल न्यूक्लियस है, उसके बाद में उसमें चारों तरफ खूब सारे सेल ऑर्गेनल हैं, और ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रही है, इट इज सेल मेम्ब्रेन, इट इज सेल मेम्ब्रेन। मैंने कहा कि याद रखिएगा कि ये एक्सॉन था और उस एक्सॉन के चारों तरफ सेल ने लपेटे खाए। सेल ने लपेटे खाने का मतलब है कि किसने लपेटे खाए, सेल मेम्ब्रेन ने लपेटे खाए। ये खूब सारी लेयर्स किसकी है डियर, बोलिएगा, सेल मेम्ब्रेन की है। इट मींस एक चीज क्लियर हो गई, अगर कोई आपसे पूछे माइलिन शीथ किसकी बनी होती है,
माइलिन शीथ किसकी बनी होती है? आपने पहला जवाब दिया था कि सर सेल की बनी होती है। अच्छा, सेल के भी कौन सी कंपोनेंट की बनी होती है? तो आपका दूसरा जवाब आ गया, किसकी बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन की बनी होती है। तीसरी चीज, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन किसको बनी होती है, याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है वो भी क्लियर कर दूं मैं आपको। ये सेल मेम्ब्रेन है, यहां पे किसी भी सेल की बात की जाए, किसी भी सेल, ये सपोज एक सेल है, आपको समझाया, ये इसकी इतनी मोटी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन को गौर से देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली बनी होती है कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की एंड फैट की। कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और फैट, तीनों चीजों की बनी होती है। कैसे बनी होती है देखिएगा, जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है, पूछ ले सबसे व्हाट इज द मेन कंपोनेंट, तो आपका जवाब कौन आएगा? फैट। फैट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन है? फैट है। उसके बाद उसमें प्रोटीन फंसा रहता है। प्रोटीन कैसे रहता है देखिए, अगर एक प्रोटीन मोलिक्यूल इस फैट की लेयर के आर पार चला गया, ये फैट की लेयर बनाई, इस फैट की लेयर के आर पार चला गया, दिस प्रोटीन विल बी नोन एज चैनल प्रोटीन। इस प्रोटीन को कौन सा प्रोटीन कहा जाएगा? चैनल प्रोटीन कहा जाएगा, और इसके थ्रू चीजों का आसानी से आर पार ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। अगर बात की जाए प्रोटीन, दूसरे टाइप के प्रोटीन की, तो कुछ प्रोटीन बाहर की तरफ रहते हैं, कुछ प्रोटीन अंदर की तरफ रहते हैं, और इन प्रोटीन को कहा जाता है पंप प्रोटीन। किस नाम से जाना जाता है? पंप प्रोटीन के नाम से। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप है, जैसे पोटेशियम प्रोटोन पंप है, ऐसे पंप। कुछ प्रोटीन होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन की बाहरी सरफेस पे ही मौजूद होते हैं, और इनको कहा जाता है रिसेप्टर्स। क्या कहा जाता है? रिसेप्टर्स। इसका मतलब प्रोटीन कितनी फॉर्म में होते हैं सेल मेम्ब्रेन में? तीन फॉर्म में होते हैं, या तो चैनल फॉर्मेट में, या फिर पंप प्रोटीन फॉर्मेट में, और या फिर बोले तो रिसेप्टर फॉर्म में, जिसपे आके इंसुलिन, दूसरे हार्मोन और कई सारी ड्रग्स आगे जुड़ती है। ये रिसेप्टर का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। पंप प्रोटीन प्रोटीन के, और चैनल प्रोटीन भी प्रोटीन के बने होते हैं। क्लियर हो गया डियर? वेरी गुड। लास्ट में कौन बचा? कार्बोहाइड्रेट। बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में, मिनिमम, सबसे कम कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है? तो जवाब होगा कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है? तो जवाब होगा फैट। फैट के बारे में एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, सुनिएगा। फैट, ये मान लीजिए प्रोटीन, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में मेन फैट होता है। फैट सिंगल लेयर में नहीं होता, डबल लेयर में होता है, हमेशा याद रखिएगा। फैट कौन सी लेयर में पाया जाएगा? डबल लेयर्ड में पाया जाएगा। फैट की डबल लेयरिंग होगी। इस मॉडल को जिस इंसान ने इसको समझाया, उन्होंने इस मॉडल को बोला फ्लूइड मोजेक मॉडल। पूछ सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन कौन से मॉडल से एक्सप्लेन की गई? योर आंसर विल बी फ्लूइड मोजेक मॉडल। सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइड मोजेक मॉडल से समझाया गया। ये क्या कहती है कि साहब फैट में डबल लेयर बनी हो, क्या सेल मेम्ब्रेन में डबल लेयर बनी होती है? किसकी? फैट की। और उन डबल लेयर के अंदर बीच बीच में कौन फंसा रहता है? चैनल प्रोटीन, पंप प्रोटीन और कौन से? रिसेप्टर प्रोटीन। और हल्का हल्का कौन पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इस तरह सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है डियर? तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये अगर एक्सॉन है तो इस एक्सॉन को किसने लपेटा? साहब सेल ने लपेट दिया। पूरी सेल ने लपेटा, या खासकर किसने लपेटा? कि सर सेल मेम्ब्रेन ने लपेट दिया। वेरी गुड। सेल मेम्ब्रेन ने लपेट दिया। और सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फैट की बनी होती है। फैट के साथ में हल्का सा कौन भी पाया जाता है? प्रोटीन भी पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की तो गिनती ना करें तो ही कम है। इट मीन्स, याद रखेगा, सेल मेम्ब्रेन इज बेसिकली मेड अप ऑफ फैट एंड प्रोटीन। इसका मतलब हमारी जो ये माइलिन शीथ है, ये भी किसकी बनी है? फैट और प्रोटीन की बनी है। साथ में फॉस्फेट और जोड़ दिया जाए, फैट को किस नाम से जाना जा सकता है? लिपिड नाम से जाना जा सकता है। इसलिए सेल मेम्ब्रेन इज बेसिकली मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। और लिपिड और प्रोटीन के लिए क्या वर्ड काम में आ सकता है? लाइपोप्रोटीन। आपसे पूछे कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो बाकी सारी चीजों को अवॉइड कर दो। सेल मेम्ब्रेन इज बेसिकली मेड अप ऑफ
फॉस्फोलिपिड एंड लाइपोप्रोटीन, इट मींस हमारी माइलिन शीथ सेल की बनी है, सेल मेम्ब्रेन की बनी है, यानी माइलिन शीथ कौन से कंपोनेंट की बनी है, फॉस्फोलिपिड और लाइपोप्रोटीन की बनी है। पहला एग्जाम का क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका यहाँ कि माइलिन शीथ किसकी बनी है डियर। चलिएगा, माइलिन शीथ इज ए कवरिंग, थिक कवरिंग मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइलिन शीथ के कंपोनेंट में से कि माइलिन शीथ किसकी बनी है, तो आपका जवाब क्या आएगा, लाइपोप्रोटीन की बनी है, लिपिड और प्रोटीन की बनी है। किसको कवर करती है, कौन से सेगमेंट को, डेंड्राइट को, सोमा को या एक्सोन को, तो याद रखना माइलिन शीथ केवल किसको कवर करती है, एक्सोन को कवर करती है, केवल किसको कवर करती है, एक्सोन को कवर करती है, याद रखिएगा, क्लियर है। और कैसा कलर होता है, यहां कौन से ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, यहां पाए जाते हैं निसल ग्रेन्यूल्स, याद रखिएगा, सोमा में और डेंड्राइट में कौन से ग्रेन्यूल्स हैं, निसल ग्रेन्यूल्स हैं, इसलिए इस सेगमेंट का कलर कैसा है, ग्रे कलर है, जबकि यहाँ पे माइलिन शीथ जो होती है वो किस कलर की होती है, वाइट कलर की, माइलिन शीथ होती है वाइट कलर की, एक्सोन सफेद दिखता है, इसी से किसका निर्माण होता है, वाइट मैटर का निर्माण होता है। क्लियर है डियर, ये कंसेप्ट आपको हमेशा याद होना चाहिए, वेरी गुड। पहली काम की चीज मैंने कहा, बार बार रिपीट कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि माइलिन शीथ किसकी बनी है, एग्जामिनर पूछ चुका है, योर आंसर विल बी लाइपोप्रोटीन। कंसेप्ट नंबर टू, सेकंड क्वेश्चन, कुछ और काम की चीजें इंट्रोडक्शन के अंदर ही, माइलिनेशन और माइलिनोजेनेसिस, दोनों सेम वर्ड है, नाम से पता चल रहा है, माइलिनोजेनेसिस यानी माइलिन का जेनेसिस होना, फॉर्मेशन होना, और माइलिनेशन यानी माइलिन शीथ का बनना, वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस जिसके द्वारा माइलिन शीथ बनती है, दैट इज नोन एज माइलिनेशन। देखिएगा डेफिनेशन भी कह रही है, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सोन इज नोन एज माइलिन शीथ। क्वेश्चन ये नहीं है कि एग्जामिनर पूछेगा व्हाट इज माइलिनेशन, नहीं, एग्जामिनर पूछेगा माइलिनेशन होता है लाइपोप्रोटीन से, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि एक सेल होती है, तो कौन सी सेल होती है, याद रखिएगा, एक एक डायग्राम से, हल्के से डायग्राम से क्लियर कर दूं, दिस इज ब्रेन एंड दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज ब्रेन एंड दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, और इन दोनों को मिला के नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट बोला जाता है, योर आंसर विल बी CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब अकेला ब्रेन नहीं है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब है ब्रेन, और ब्रेन के साथ साथ कौन, स्पाइनल कॉर्ड। मेरे CNS में इंजरी हो गई है, इट मींस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में कहीं पे भी इंजरी हो सकती है, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंजरी बोला जाएगा। ओके डियर, अब सुनिएगा, ब्रेन से जो नर्व निकलती है, ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को कहा जाता है क्रेनियल नर्व्स, द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन इज क्रेनियल नर्व्स, 12 जोड़ी है, एंड द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड इज स्पाइनल नर्व्स, 31 जोड़ी, याद रखिएगा, क्रेनियल नर्व्स कितने पेयर, 12 पेयर्स, 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स होते हैं, और स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं, 31 पेयर्स, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, 31 जोड़ी होते हैं, तो ये जो 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व, यानी 12 इधर 12 इधर, 12 लेफ्ट में 12 राइट में, स्पाइनल नर्व में 31 लेफ्ट में 31 राइट में जो नर्व निकलती हैं, इन नर्व्स को मिला के किस नाम से जाना जाता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, इनको किस नाम से जाना जाता है डियर, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब गौर से देखिएगा, सपोज मैं आपके सामने एक नर्व बना दूं, यहीं स्पाइनल नर्व बना दूं, स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन कर दूं, सपोज ये हमने बना दिया एक स्पाइनल नर्व, न्यूरॉन, इतने सारे न्यूरॉन बन गए और बन गई एक आपकी कौन सी, स्पाइनल नर्व, और ये है ब्रेन। अब गौर से सुनना, ये ब्रेन में भी तो न्यूरॉन होगा, बिल्कुल होगा सर, ये ब्रेन का कोई न्यूरॉन है, ये ब्रेन का न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन है, दो न्यूरॉन है, ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे भी न्यूरॉन्स होंगे, बिल्कुल होंगे सर, स्पाइनल कॉर्ड का न्यूरॉन है 1 न्यूरॉन और 2 न्यूरॉन। अब गौर से सुनना, बहुत गौर से, ब्रेन में जो एक्सोन्स पाए जाते हैं उनका माइलिनेशन करने का काम जो सेल करती है, दैट इज नोन एज ओलिगोडेंड्रोसाइट, उस सेल को ओलिगोडेंड्रोसाइट कहते हैं। देखिए एक सेल है यहाँ पे, इस सेल के बहुत सारी ब्रांचेज निकलती है, जबरदस्त ब्रांचेज होती है, तो एक ब्रांच जाके यहाँ से लपेट देगी, एक ब्रांच इसको यहां से लपेट देगी, एक यहां से और एक यहां से, ये लीजिए ऑलमोस्ट एक सेल ने ही एक ये बना दिया, माइलिन शीथ बना दी, इसकी ब्रांचेज ने लपेटे खा लिए और माइलिन शीथ बना दी,
दूसरी राइट में इसकी ब्रांचेज निकलेगी, वो इस न्यूरॉन को कवर कर देगी, यहाँ से कवर कर दिया, यहाँ से कवर कर दिया और यहाँ से कवर कर दिया। ये लीजिए एक सेल थी जिसकी इतनी सारी ब्रांचेज थी, ब्रांचेज ने लपेटे खाए और न्यूरॉन्स को चारों तरफ से कवर कर दिया, न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स को माइलिन शीथ बना दी। इस सेल को कहा जाता है ओलिगोडेंड्रोसाइट या ओलिगोडेंड्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोग्लिया दोनों में से किसी भी नाम से बोल सकते हैं आप। ओलिगोडेंड्रोग्लिया और ओलिगोडेंड्रोसाइट वो सेल है जो माइलिनेशन करती है किसके चारों तरफ, ब्रेन के चारों तरफ। इसी प्रकार यहाँ ये सेल है, इसके खूब सारे फाइबर्स हैं, इन्होंने यहाँ माइलिनेशन किया, एक्सॉन बनाया, एक्सॉन के चारों तरफ माइलिन शीट बनाई, यहाँ बनाई, यहाँ बनाई, यहाँ बनाई, यहाँ बनाई और यहाँ बना दी। इट मीन्स ये सेम टू सेम वही सेल है जो स्पाइनल कोड के न्यूरॉन्स का भी माइलिनेशन कर रही है। स्पाइनल कोड और ब्रेन, ब्रेन और स्पाइनल कोड को क्या कहा जाता है, CNS। इट मीन्स CNS के न्यूरॉन्स का माइलिनेशन करना कौन सी सेल का काम है, ओलिगोडेंड्रोसाइट का काम है। और भूलिएगा मत, बच्चे यही करते हैं एग्जाम में CNS, उनके दिमाग में CNS मतलब ब्रेन ही सेव रहता, नहीं, CNS का मतलब है ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड, दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, CNS बोला जाता है। तो यहाँ कौन सी सेल माइलिनेशन करती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट करती है। ओके डियर, अब नर्व में देखिएगा, पेरिफेरल नर्व में देखिएगा, जो एक डायग्राम आपके सामने आया था ये वाला, इस डायग्राम को गौर से देख लीजिएगा। ये एक सेल है ओलिगोडेंड्रोसाइट और देखिए इसकी ब्रांच ने इस न्यूरॉन को भी कवर किया, इस न्यूरॉन को भी कवर किया, एक ब्रांच ने इधर को भी कर दिया, एक ब्रांच यहाँ जाएगी वो यहाँ से भी कवर कर देगी। यानी एक ही ओलिगोडेंड्रोसाइट कितनी सारी चीज़ों को, कितने सारे न्यूरॉन्स को कवर कर रही है। जबकि यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ बहुत छोटी छोटी सेल्स पाई जाती है, ये हमारी क्रेनियल और स्पाइनल नर्व है, ये CNS की बात हो रही है, ये कहाँ की बात हो रही है, PNS की। यहाँ देखिए बहुत छोटी छोटी सेल्स होती है बिना ब्रांच वाली, तो बेचारी सेल्स क्या करती है, पूरी सेल ही लपेटे खा जाती है, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पाँच सेल। यानी PNS में माइलिनेशन के लिए बहुत सारी सेल्स लगती है, जबकि CNS में माइलिनेशन के लिए बहुत सारी सेल्स काम में नहीं आती। एक सेल चार पांच न्यूरॉन को ढक देती है, जबकि वहां पे एक न्यूरॉन को ढकने के लिए, एक एक्सॉन को ढकने के लिए हजारों सेल्स की जरूरत पड़ जाती है। क्लियर है बेटा जी, वेरी गुड। अब गौर से देखिए, गाइड मीन्स ये जो सेल है ये कौन सी सेल है, ओलिगोडेंड्रोसाइट, और ये सेल है वो कौन सी सेल है, स्वान सेल। शाबाश, याद रखिएगा, विच सेल इज दिस, स्वान सेल। स्वान सेल किसके चारों तरफ माइलिनेशन करती है, PNS के चारों तरफ करती है, और ओलिगोडेंड्रोसाइट किसके चारों तरफ करती है, तो जवाब आएगा CNS के तरफ करती है। इस डायग्राम में एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, एक फैक्ट जो आगे काम में आएगा, ये मान लीजिए है मेरा ओलिगोडेंड्रोसाइट है और ये यहां रहा ओलिगोडेंड्रोसाइट का न्यूक्लियस, यहां पर है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के पास, क्योंकि ये न्यूरोग्लिया है इसलिए इसके पास सेंट्रोसोम भी पाए जाएंगे, कौन भी पाया जाएगा, सेंट्रोसोम भी पाया जाएगा। इसके पास में न्यूक्लियस भी है और इसके पास में सेंट्रोसोम भी है, दोनों मौजूद है, ये न्यूक्लियस हो गया और यहां पे सेंट्रोसोम हो गए। जब लपेटे खाए, माइलिन शीथ का निर्माण हुआ, तो इस एक्सॉन के चारों तरफ केवल ब्रांचेस ने लपेटे खाए, पूरी सेल ने लपेटे नहीं खाए, इसका मतलब न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम ने लपेटा नहीं खाया। ये याद रखिएगा, CNS ब्रेन और स्पाइनल कोड के न्यूरॉन का जब माइलिनेशन होता है तो केवल ब्रांचेज उस माइलिन शीथ बनाती है, जो न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम है वो उस एक्सॉन से दूर चुपचाप बैठा बैठा सब कुछ देख रहा है, वो लपेटे नहीं खाता, नहीं खाता, नहीं खाता। इसके उलट यहां देखिएगा, जो ये है आपका PNS का माइलिनेशन है, उस PNS में क्या होगा, ये जो आपकी स्वान सेल है ये पूरी की पूरी सेल लपेटे खा जाएगी, पूरी की पूरी सेल लपेटे खा जाएगी। तो इस, मान लीजिए ये छोटी सी सेल थी, इसमें न्यूक्लियस भी था और सेंट्रोसोम भी था, और ये मान लीजिए उस बंदे का है न्यूरॉन, PNS का न्यूरॉन है, तो ये एक सेल आएगी, ये ग्रीन वाली सेल आएगी और ये पूरी सेल इसके चारों तरफ लपेटे खा जाएगी। ये लीजिए, इसका मतलब किसने भी लपेटे खा लिया, न्यूरॉन ने और सेंट्रोसोम ने भी लपेटे खा लिया। हमेशा याद रखिएगा ये कंसेप्ट, याद रखना कि न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम एक्सॉन के चारों तरफ लपेटे खाके मिलते हैं, किसमें, PNS में मिलते हैं, जबकि CNS के अंदर न्यूरॉन और सेंट्रोसोम लपेटे नहीं खाते, क्योंकि एक्सॉन का न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम दूर से खड़ा खड़ा लपेटे इस रैपिंग को देखता है, जबकि इसमें पूरी सेल को लपेटे खाने पड़ते हैं। ओके डियर, चलिए, ज्यादा जरूरी CNS की बजाय कौन सा है, PNS है। ये गौर से देखना, ये एक सेल थी, इस सेल ने पूरी तरह लपेटे खाए, कैसे खाए देखिएगा, अगली आपकी उसकी स्कीम में क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका जो येलो कलर का है, दिस इज एक्सॉन, ये आपका एक्सॉन है, ये आपका एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया,
एक सेल आई और सेल कौन सी है, स्वान सेल, दिस इज स्वान सेल, ये स्वान सेल का न्यूक्लियस है और ये बाकी का साइटोप्लाज्म है। तो सेल आई और ऐसे करके इसको खुद के पूरे एक्सोन को खुद के अंदर लेने की कोशिश की। देखिए सेकंड डायग्राम में ये आपका एक्सोन था, इसके चारों तरफ लगभग चारों तरफ किसने लपेटे खा लिए, एक्सोन ने लपेटा खा लिया। डायग्राम को देखिएगा गौर से, अगले डायग्राम में देखिएगा, उसके बाद ये लेयर यूं जाके और फिर ऊपर से अंदर ही अंदर कवर कर लेगी, एक बार और कवर कर लिया। अब बार देखिए न्यूक्लियस कहाँ पड़ा है, ये न्यूक्लियस पास में पड़ा है, डबल लेयर हो गई। फिर देखिए कितनी सारी लेयर्स हो गई, न्यूक्लियस यहाँ पड़ा है और आखिरकार ये सारी लेयर्स आपस में फ्यूज हो जाएगी, ये सारी लेयर्स आपस में फ्यूज हो जाएगी। और अब फ्यूज होने के बाद किसका फॉर्मेशन कर देगी, माइलिन शीथ का, माइलिन शीथ का निर्माण कर दिया। लेकिन यहाँ मेरा मकसद आपको माइलिन शीथ नहीं, इसके साथ साथ एक चीज़ और पढ़ाना है। लास्ट में अभी भी लास्ट वाली लेयर में कौन बचा पड़ा है, न्यूक्लियस और साइटोसोम बला बचा है, कुछ साइटोप्लाज्म पड़ा है, न्यूक्लियस पड़ा है और सेंट्रोसोम पड़े हैं। तो बाकी लेयर तो फ्यूज होगी, बाकी लेयर तो फ्यूज हो गए, माइलिन शीथ बना दी, लास्ट में जो लेयर फ्यूज नहीं हुई है इस लेयर को कहा जाता है न्यूरीलेमा। जहां आप अपने रूम में बैठे हैं एक बार मेरे साथ रिपीट करके बताइएगा कि पीएनएस में जब एक्सोन सेल लपेटे खाती है, सॉरी स्वान सेल लपेटे खाती है और आखिरकार फ्यूज हो जाती है, तो उस लेयर को क्या कहते हैं, माइलिन शीथ। और सबसे लास्ट वाली लेयर जो लपेटे नहीं खाती है, जिसमें साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सेंट्रोसोम है, उस लेयर को क्या कहा जाता है, न्यूरीलेमा कहा जाता है। एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि न्यूरीलेमा केवल और केवल स्वान सेल वाले कंसेप्ट में है, यानी न्यूरीलेमा केवल और केवल किसमें है, पीएनएस में है। याद रखिएगा यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ किसका, माइलिन शीथ का, केवल माइलिन शीथ का फॉर्मेशन हुआ, जबकि पीएनएस में किस किस का फॉर्मेशन हो गया, एक तो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन हो गया और माइलिन शीथ के साथ साथ यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, न्यूरीलेमा का भी फॉर्मेशन हो गया। दो स्ट्रक्चर्स, दो चीज़ों का फॉर्मेशन हो गया। कैसा, एवर ऐसा केवल कहाँ होता है, पीएनएस के न्यूरॉन्स में होता है, सीएनएस के न्यूरॉन्स में नहीं होता। क्लियर है बेटा जी, ये रीजनरेशन में काम में आती है, ये रीजनरेशन में काम में होती है। जब भी एक्सोन डैमेज हो जाता है तो उसको वापस ग्रोथ करवाने में काम में आती है, कौन सी लेयर, न्यूरीलेमा। यानी सीएनएस रीजनरेट नहीं करेगा, सीएनएस का न्यूरॉन रीजनरेट नहीं करेगा उस, क्योंकि उसके पास न्यूरीलेमा नहीं है, रीग्रोथ कराने वाला न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम नहीं है, जबकि इसके तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम। तो जब भी यहाँ चोट लगेगी ये न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम इसकी क्या करवा सकते हैं, रीग्रोथ करवाते हैं, करवा सकते हैं। तो जो हम प्रीवियस क्लासेस में बोल रहे थे कि न्यूरॉन का रीजनरेशन पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है, उसमें थोड़ा सा इस क्लास के बाद आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर मैं पहले ही कहता था कि रीजनरेशन है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट्स व्हाई मैंने इस चीज को अभी फैक्ट को हिडन रखा, आज क्लियर कर रहा हूं। सीएनएस न्यूरॉन्स का रीजनरेशन पॉसिबल नहीं है, पीएनएस न्यूरॉन्स में कुछ हद तक रीजनरेशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि उसके पास कौन सी लेयर पाई जाती है, न्यूरीलेमा पाई जाती है, न्यूक्लियस होता है उसके आसपास में, और उसके आसपास में कौन सा होता है, सेंट्रोसोम होता है। अगर मेरे हाथ की नर्व डैमेज हो जाएगी, अंगुली वंगुली की नर्व डैमेज हो जाएगी, तो उसके रीजनरेशन होने के चांसेज हैं। लेकिन अगर ब्रेन का बजीड बोल गया, स्पाइनल कॉर्ड का बजीड बोल गया, तो वहां पे न्यूरॉन का रीजनरेशन पॉसिबल नहीं है। यह कंसेप्ट याद रखिएगा। चलिए बताइए इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें, एक चीज और, अगर इस डायग्राम को गौर से देखें या प्रीवियस डायग्राम को देखें, तो इतनी मोटी लेयर, ये इतनी मोटी लेयर किसकी है, तो आपका जवाब आएगा दिस इज मेड अप ऑफ माइलिन शीथ, और ये इतनी पतली सी लेयर है, ये कौन है, न्यूरीलेमा। दोनों में डिफरेंस देखिएगा, माइलिन शीथ थिक होती है जबकि न्यूरीलेमा थिन होती है, इतना सा अंतर है। और एग्जामिनर एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि एक्सोन को कवर करने वाली पतली लेयर को क्या कहते हैं, और ऑप्शन में था, पहला ही ऑप्शन था माइलिन शीथ, बच्चे करके आ गए थे और गलत आंसर हो गया था। याद रखिएगा एक्सोन को कवर करने वाली पतली लेयर को, थिन लेयर को कहा जाता है न्यूरीलेमा, जबकि एक्सोन को कवर करने वाली थिक लेयर को कहा जाता है माइलिन शीथ। दोनों में डिफरेंस है। चलिए एक कंसेप्ट और क्लियर कर देता हूं इसी डायग्राम से। जब मैंने आपको एक्सोन की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी तो ये सोमा था, ये डेंड्राइट थे और ये एक्सोन था। एक्सोन के साइटोप्लाज्म को कहा था एक्सोप्लाज्म, और एक्सोन की इस मेम्ब्रेन को कहा था एक्सोलेमा। एक्सोन की इस मेम्ब्रेन को क्या कहा था, एक्सोलेमा कहा गया था। अब आप सीक्वेंस देख सकते हैं, देखिएगा बेटा जी, सबसे अंदर की तरफ ये है एक्सोलेमा,
सबसे अंदर है एक्सोलेमा, एक्सोलेमा के जस्ट ऊपर है माइलिन शीत, जस्ट ऊपर है माइलिन शीत, और उससे भी सबसे बाहर की तरफ है न्यूरीलेमा। सीक्वेंस याद रखिएगा अंदर से AMN, अमन वाली बात है, एक्सोलेमा, माइलिन शीत एंड न्यूरीलेमा इस सीक्वेंस में कवरिंग होती है एक एक्सोन की, एक्सोलेमा, माइलिन शीत एंड न्यूरीलेमा। क्लियर है डियर? यहां पे माइलिन शीत किस प्रकार बनती है वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। दो तीन छोटी मोटी चीजें हैं उनको भी देख लीजिएगा। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें, ये देखिए एक बहुत ही हाइलाइटेड माइक्रोस्कोपिक डायग्राम, ये आपका पर्पल कलर में एक्सोन है और ये येल्लो जो सेल है ये स्वान सेल है। देखिए लपेटे खाए 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 बाकी सारी लेयर्स तो क्या हो जाएगी, ये सारी लेयर्स क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी, ये सारी लेयर्स फ्यूज हो जाएगी, ये सारी लेयर्स फ्यूज होके एक ही लेयर बना देगी माइलिन शीत। ऊपर ही ऊपर कौन बच जाएगी, केवल न्यूरीलेमा बच जाएगी जिसमें न्यूक्लियस मौजूद है। क्लियर है? अब देखिएगा कि डायग्राम से, अगर इस डायग्राम को आप गौर से देखें तो आप समझ जाएंगे कि माइलिन शीत कंटिन्यूअस नहीं होती, माइलिन शीत कंटिन्यूअस नहीं होती, यहां पे भी माइलिन शीत कंटिन्यूअस नहीं है। अगर ये एक्सोन है, अगर ये एक्सोन है और इसको कवर कर रही है आपकी माइलिन शीत, तो यहां माइलिन शीत होगी, यहां माइलिन शीत होगी, यहां माइलिन शीत होगी और बीच बीच में खाली जगह हो जाएगी, बीच बीच में खाली जगह हो जाएगी। याद रखिएगा इस ब्लैंक स्पेस को कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर, यानी एक माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में जो अनमाइलिनेटेड जगह है उनको कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। एक्सोन्स दो प्रकार के हो सकते हैं, न्यूरॉन्स दो प्रकार के हो सकते हैं, माइलिनेटेड जिसपे माइलिन शीत है एंड नॉन माइलिनेटेड जो बिल्कुल नेक्ड है जिन पे माइलिन शीत नहीं है। न्यूरॉन की दो कैटेगरी हो सकती है, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड, जिसमें माइलिन शीत है वो माइलिनेटेड, जिसमें माइलिन शीत नहीं है वो नॉन माइलिनेटेड। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी, माइलिनेटेड की बात कर रहे हैं केवल, लेकिन माइलिनेटेड न्यूरॉन का जो एक्सोन पार्ट है वो भी सारा ढका नहीं होता, सारे पे माइलिन शीत नहीं होती, जहां माइलिन शीत नहीं होती उन सब जगहों को किस नाम से जाना जाता है, नोड ऑफ रेनवियर के नाम से जाना जाता है। और इन नोड ऑफ रेनवियर के बीच का जो पार्ट है, ये नोड ऑफ रेनवियर आ गया आपका और ये दूसरा नोड ऑफ रेनवियर आ गया, दो नोड ऑफ रेनवियर के बीच का वो हिस्सा जो माइलिनेटेड है इसको कहते हैं इंटरनोड, दिस इज नोन एज इंटरनोड। मैं यहां आपको दो टर्म्स क्लियर करवाना चाह रहा था, एक तो इंटरनोड, एक नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर कैसा पार्ट होता है, माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, जबकि इंटरनोड कैसा पार्ट होता है, माइलिनेटेड। दो नोड ऑफ रेनवियर के बीच वाला हिस्सा जो माइलिनेटेड है इसे किस नाम से जाना जाता है, इंटरनोड के नाम से जाना जाता है। कंसेप्ट याद रखिएगा, वेरी गुड। चलिए क्या कह रही है आपके नोट्स, देखिएगा डियर, आउटर मेस्ट लेयर ऑफ स्वान सेल, केवल स्वान सेल की बात कर रही है कि स्वान सेल की जो सबसे बाहरी लेयर है वो किसके तौर पे बच जाती है, न्यूरीलेमा के तौर पे बच जाती है। और न्यूरीलेमा को याद रखेगा सीथ ऑफ स्वान भी कहा जाता है, माइलिन शीत नहीं, सीथ ऑफ स्वान भी कहा जाता है। इट मीन्स एक सेल के अंदर सबसे अंदर एक्सोन पे होती है एक्सोलेमा, उसके ऊपर होती है माइलिन शीत और उसके ऊपर होती है न्यूरीलेमा जिसे सीथ ऑफ स्वान भी बोला जाता है। न्यूरीलेमा कैसी लेयर है, एक पतली लेयर है, वेरी गुड, मोटी लेयर नहीं है, मोटी लेयर तो माइलिन शीत है, थिन ले थिक थिन शीत कौन है, न्यूरीलेमा है। न्यूरीलेमा केवल पीएनएस के न्यूरॉन्स के चारों तरफ होती है, सीएनएस के न्यूरॉन्स के चारों तरफ नहीं पाई जाती। माइलिन शीत कंटिन्यूअस नहीं होती है, कुछ कुछ जगह पे एब्सेंट होती है और उन एब्सेंट साइड्स को किस नाम से जाना जाता है, नोड ऑफ रेनवियर के नाम से जाना जाता है, नोड ऑफ रेनवियर के नाम से जाना जाता है। नोड ऑफ रेनवियर कैसी जगह है मेरे को बताइए, माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड, नोड ऑफ रेनवियर आर नॉन माइलिनेटेड सेगमेंट्स जिन पे माइलिन शीत नहीं है, जबकि इंटरनोड का मतलब हो गया दो माइलिन शीत, दो नोड ऑफ रेनवियर के बीच वाली जगह, याद रखिएगा उसको इंटरनोड कहते हैं। और इंटरनोड कैसा होता है, माइलिनेटेड होता है, इंटरनोड वाली जगह कैसी होती है, माइलिनेटेड होती है। फंक्शन समझ में, आपको समझ में आ गया माइलिनेशन का प्रोसेस कि कैसा होता है माइलिनेशन, याद रखिएगा माइलिन शीत का निर्माण कब तक हो जाता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सारे न्यूरॉन्स माइलिनेटेड नहीं होते, इसीलिए तो नर्वस सिस्टम पे फुली कंट्रोल नहीं होता। कब होता है, क्या होता है, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए
अब आते हैं फंक्शंस की बात, याद रखिएगा, अब बात आ रही है फंक्शंस की कि माइलिन शीत आखिरकार काम क्या करती है, गौर से सुनिएगा। अगर हम बात करें फंक्शंस की, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माइलिन शीत, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माइलिन शीत, तो सुनिएगा, द फर्स्ट फंक्शन इज इंसुलेशन, इंसुलेशन, फर्स्ट फंक्शन इज इंसुलेशन। क्या होता है इंसुलेशन, डियर इसको एक्सप्लेन करते हैं, इंसुलेशन क्या होता है। देखिएगा, जैसा यूजुअली हमारे घरों में होता है कि एक वायर है, एक तार है, इलेक्ट्रिक वायर है, उसके अंदर जबरदस्त वायर्स होते हैं, कॉपर के बने हुए छोटे छोटे वायर्स हैं, और इन सब में करंट बह रहा है, इन सब में करंट बह रहा है। अब ये करंट दूसरे इंसान को ना लगे, दूसरे वायर में ना जाए, इसलिए क्या किया जाता है, इसको प्लास्टिक कवरिंग में, इसको रबर कवरिंग से ढक दिया जाता है। आप हमारे घरों में जो वायर आता है वो ऐसा आता है, हमें दिखाई नहीं देता, अंदर की तरफ खूब सारे वायर्स हैं और उनको बाहर प्लास्टिक से, रबर सेगमेंट से कवर कर दिया गया है, ऐसे वायर आते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है आप सभी जानते हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इन वायर्स के अंदर जो करंट मौजूद है, इन वायर्स के अंदर जो करंट मौजूद है वो बाहर ना निकले। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंसुलेशन। हीट को या करंट को सराउंडिंग स्ट्रक्चर में नहीं फैलने देना क्या कहलाता है, इंसुलेशन कहलाता है। याद रखिएगा, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी बॉडी पर ब्राउन फैट होती है, कौन सी फैट होती है, ब्राउन फैट होती है उसकी बॉडी में, सबक्यूटेनियस टिश्यू में ब्राउन फैट होती है जो जबरदस्त इंसुलेशन का काम करती है। इसलिए छोटे बच्चों को ज्यादा सर्दी, पैदा जो जस्ट नियोनेट है उसको सर्दी नहीं लगती, बिकॉज देयर इज स्ट्रांग इंसुलेशन बाय ब्राउन फैट। तो इंसुलेशन मीन्स होता है हीट को और करंट को सराउंडिंग स्ट्रक्चर में, आसपास वाले स्ट्रक्चर में नहीं फैलने देना। अगर बाई चांस मानिए कि ये मेरा न्यूरॉन है, दिस इज माय न्यूरॉन डेंड्राइट्स एंड दिस इज एक्सॉन, और साइड में यहाँ दूसरा न्यूरॉन है, उसके डेंड्राइट्स है और उसका एक्सॉन है, अगर माइलिनेटेड नहीं होगा, अगर माइलिनेटेड नहीं होगा तो क्या पंगा होगा, अगर ये दोनों एक्सॉन टच हो गए तो इस एक्सॉन में कोई करंट एक्शन पोटेंशियल था वो इस साइड वाले एक्सॉन में चला जाएगा। काम इस एक्सॉन को कॉन्ट्रैक्शन हाथ को करना था और पता चला कॉन्ट्रैक्शन मेरे अंगूठे को करना था मूवमेंट, और अंगुली की मूवमेंट करने लगी। ठीक है, चलो ये अंगुली है तो ठीक है, कोई और अंगुली होगी तो बुरा मान जाएगा। इस तरह याद रखिएगा, न्यूरॉन से अगर एक न्यूरॉन से साइड वाले न्यूरॉन में करंट जा रहा है तो उसको रोकने के लिए इस न्यूरॉन को क्या कर दिया हमने, माइलिनेटेड कर दिया। अब ये माइलिन शीत करंट को दूसरे न्यूरॉन में नहीं जाने देगी, और इस फंक्शन को किस नाम से जाना जाता है, दिस फंक्शन इज नोन एज माइलिनेशन। इस फंक्शन को माइलिनेशन के नाम से जाना जाता है, इंसुलेशन के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो फंक्शन है याद रखिएगा वो है फास्टर कंडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, सेकंड जो फंक्शन है दैट इज फास्टर कंडक्शन, बहुत जल्दी करंट का जाना। कैसे जाता है करंट देखिएगा, कैसे जाता है करंट देखिएगा, एक न्यूरॉन बना रहा हूं आपके सामने गौर से, दीज आर सोमा, दीज आर डेंड्राइट्स, और ये वाला पोर्शन हो गया आपका एक्सॉन, दिस इज एक्सॉन। दूसरा न्यूरॉन देख लीजिएगा, सोमा डेंड्राइट, और ये है उसका एक्सॉन। एक को माइलिनेटेड कर देते हैं, चलिए इसको माइलिनेटेड कर देते हैं, यानी इसके ऊपर कौन सी शीत लगा देते हैं, माइलिन शीत लगा देते हैं, इस पे हमने माइलिन शीत लगा दी। क्लियर है, पहले वाले पे कौन सी शीत लगा दी बेटा जी, हमने माइलिन शीत लगा दी, दिस इज माइलिनेटेड न्यूरॉन एंड दिस इज नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, दो न्यूरॉन बन गए। क्या होता है डियर, ये नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि एक्शन पोटेंशियल डेवलप कैसे होता है, कैसे एक्शन पोटेंशियल आगे से आगे बढ़ता है, नर्व इंपल्स जनरेट कैसे होता है। हल्का सा मैं आपको यहाँ आइडिया देना चाहूँगा कि जैसे इस न्यूरॉन को स्टिमुलस मिलेगा, यहाँ पे एक पंप है एंड दैट पंप इज नोन एज सोडियम पोटेशियम पंप,
उस पंप को किस नाम से जाना जाएगा डियर? सोडियम पोटेशियम पंप के नाम से जाना जाएगा। एक चीज आप हमेशा जानते हैं कि सेल के अंदर की तरफ, याद रखिएगा, सेल के अंदर की तरफ कौन पाया जाता है? पोटेशियम होता है मेनली, और सेल के बाहर कौन होता है? सोडियम होता है। अगर चार्ज की बात करें, अगर हम चार्ज की बात कर लेते हैं, चलिए चार्ज की बात कर लेते हैं कि सेल के चार्ज की, सेल मेम्ब्रेन अगर है तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ तो पाया जाता है, याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज, और बाहर की तरफ कौन सा चार्ज पाया जाता है? पॉजिटिव चार्ज। बाहर की तरफ तो पाया जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और सेल के अंदर कौन सा चार्ज पाया जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा। अब आपका कौन सा पंप काम करेगा? सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा, तो रिवर्स कर देगा, पॉजिटिव अंदर कर देगा और नेगेटिव को बाहर कर देगा, नेगेटिव बाहर हो जाएगा, पॉजिटिव अंदर हो जाएगा। इस घटना को कहते हैं डीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन। फिर एक पंप ने ऐसा किया, फिर दूसरा पंप करेगा डीपोलराइजेशन, फिर अगला पंप करेगा डीपोलराइजेशन, अगला पंप करेगा डीपोलराइजेशन, और इस तरह करंट एक न्यूरॉन में आगे बढ़ता रहता है। कैसे बढ़ता रहता है बेटा जी, क्लियर करें अच्छे से कि ये एक न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन के अंदर सोडियम अंदर की तरफ तो पाया जाता है आपका नेगेटिव चार्ज, और बाहर की तरफ कौन सा चार्ज होता है? पोटेशियम पॉजिटिव। याद रखिएगा, आपका सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा, और सोडियम पोटेशियम पंप जब भी काम करेगा तो क्या करता है वो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। बस आप तो ये सुनिएगा रिजल्ट की, रिजल्ट क्या निकल के आएगा कि चार्ज चेंज हो जाएगा, अंदर की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर की तरफ नेगेटिव हो जाएगा, पोल रिवर्स हो गए। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डीपोलराइजेशन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन कहा जाता है। यह डीपोलराइजेशन क्या करता है? अगले सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेट कर देगा, तो वहां पे भी उल्टा हो जाएगा, अंदर प्लस हो जाएगा बाहर माइनस, फिर अगला सोडियम पोटेशियम पंप, अगला सोडियम पोटेशियम पंप, इस तरह सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद सारे सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट होते रहते हैं, अंदर प्लस होता रहता है और बाहर की तरफ क्या होता रहता है? माइनस होता रहता है। जैसे ही अगले पंप में, मान लीजिए सबसे पहले यहां था, फिर अगला पंप एक्टिवेट हुआ तो अंदर प्लस हो गया और माइनस हो गया, फिर आगे प्लस हो गया तो पीछे वाला वापस नॉर्मल हो जाता है, और उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रीपोलराइजेशन कहा जाता है। डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम। यहां के लिए सोडियम पोटेशियम पंप काम करता रहता है, अंदर की तरफ कैसा चार्ज? नॉर्मली माइनस, बाहर की तरफ प्लस। जैसे इंपल्स मिला न्यूरॉन को कि कौन सा पंप एक्टिवेट हो गया? सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप के एक्टिवेट होते ही तो चार्ज रिवर्स हो गया, अंदर की तरफ जो माइनस था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? प्लस में, और बाहर कैसा हो गया? माइनस। अब क्या होगा, जैसे ये चार्ज चेंज हुआ, डीपोलराइजेशन कहते हैं, तो अगला पंप एक्टिवेट हो जाएगा, वो उल्टा कर देगा, अंदर की तरफ प्लस कर देगा और बाहर की तरफ माइनस कर देगा। ऐसे करके डीपोलराइजेशन आगे से आगे बढ़ता रहता है, और इसी घटना को एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। डीपोलराइजेशन आगे से आगे बढ़ता रहता है, और इसी घटना को किस नाम से जाना जाता है बेटा जी? डीपोलराइजेशन के नाम से जाना जाता है। अब इस गौर से देखिएगा इस डायग्राम को और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर यहां पर डीपोलराइजेशन हुआ तो अगला पंप काम करेगा, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, इस प्रकार डीपोलराइजेशन होता रहता है और करंट आगे बढ़ता रहता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। इस प्रकार के कंडक्शन को कौन सा कंडक्शन कहा जाता है? योर आंसर विल बी कंटिन्यूअस कंडक्शन। इस प्रकार के कंडक्शन को कंटिन्यूअस कंडक्शन कहते हैं, क्योंकि हर पंप को एक्टिवेट होना पड़ रहा है, हर पंप को एक्टिवेट होना पड़ रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और जब इतना पंप बताइए काम करेंगे तो टाइम कम लगेगा या टाइम ज्यादा लगेगा? ज्यादा लगेगा। ऊपर वाले डायग्राम को गौर से देखिएगा, अगर यहां पे सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा है, अगर वहां पे सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा है, उसने डीपोलराइजेशन किया, अब अगला सोडियम पोटेशियम पंप तो माइलिन शीथ के नीचे दब गया। इधर देखिएगा, अगला सोडियम पोटेशियम पंप किसके नीचे दब गया? माइलिन शीथ के नीचे दब गया, तो वो तो काम नहीं कर पाएंगे, और यहां वाला सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा। तो करंट कैसा चल रहा है? यहां से हर पंप काम नहीं कर रहा, इस पंप के बाद सीधा इस पंप ने काम किया, उसके बाद सीधा इस पंप ने काम किया, उसके बाद सीधा इस पंप ने काम किया, और जानकारी आखिरी किनारे पर चलेगी। बताइए मेरे को, जो करंट गया है वो कंटिन्यूअस एक लाइन में गया है या फुदक फुदक के गया है? फुदक फुदक के गया है। और इस प्रकार के कंडक्शन को साल्टेटरी कंडक्शन कहा जाता है। कौन सा कंडक्शन कहा जाता है? साल्टेटरी कंडक्शन कहा जाता है। एग्जामिनर आपसे पूछ चुका है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में कौन सा कंडक्शन होता है? साल्टेटरी कंडक्शन होता है। नॉन माइलिनेटेड में कौन सा कंडक्शन होता है? कंटिन्यूअस कंडक्शन होता है। कंटिन्यूअस कंडक्शन कैसा होता है? टाइम कम लगता है या ज्यादा? ज्यादा टाइम लगता है। जबकि साल्टेटरी में टाइम ज्यादा लगता है या कम लगता है? कम।
काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 50 में यहां पहुंचा, जबकि काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 4 में मैसेज चला गया। इसका मतलब इसमें रैपिड कंडक्शन होता है, माइलिनेटेड में जल्दी कंडक्शन होता है, जबकि नॉन माइलिनेटेड में स्लो कंडक्शन होता है। जवाब दीजिएगा रैपिड कंडक्शन क्यों होता है, क्योंकि कौन सी शीत पाई जाती है, माइलिन शीत पाई जाती है। और यही फंक्शन हम डिस्कस कर रहे थे, पहला फंक्शन इंसुलेशन, दूसरा फंक्शन है फास्टर कंडक्शन। फास्टर कंडक्शन होता है क्योंकि कौन सी शीत है, माइलिन शीत है। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा साल्टेटरी कंडक्शन। इस प्रकार के कंडक्शन को साल्टेटरी कंडक्शन। यहाँ जैसे आपने लोग देखे होंगे, यो मैन हिप हॉप वालों की तरफ फुदकते जा रहा था, दैट्स वाई इट इज नोन एज हिप हॉप कंडक्शन और हॉपिंग कंडक्शन। इस प्रकार के कंडक्शन को साल्टेटरी कंडक्शन, हिप हॉप कंडक्शन या हॉपिंग कंडक्शन कहा जाता है। और ये स्लो नहीं होता, बहुत रैपिड होता है, सटासट अपने ठिकाने पर पहुँच जाता है, याद रखिएगा। अच्छा एक चीज़ सुनिएगा, सपोज एक पेशेंट है, उसके ब्रेन ने ऑर्डर दिया, अभी पेशेंट को मेरी बात करूं, मेरे ब्रेन ने ऑर्डर दिया कि लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाओ, उठ गया, यानी इतनी जल्दी करंट आया मेरी यहां की मसल्स में, नर्व में, इतना फास्ट इंपल्स आया सू, क्योंकि ये सारी माइलिनेटेड थी और टक से मेरा हाथ ऊपर हो गया। अगर मुझे बीमारी हो जाए कुछ ऐसी जिसमें यहां की माइलिन शीट टूट जाए सारी, अब मेरा ब्रेन कह रहा हाथ ऊपर उठा, अभी ब्रेन ने तो बोल दिया, ऑर्डर भी दे दिया, लेकिन वो ऑर्डर मसल्स तक पहुंचने में टाइम लगेगा, हाथ ऊपर उठा, इतनी देर बाद जाके हाथ उठेगा, जो चुटकियों में काम होना चाहिए था उसको मिनट लगने लग जाएंगे। इसलिए माइलिन शीत डैमेज होना बहुत सीवियर बीमारी है। दो बीमारियां डिस्कस करेंगे हम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और गुलियन बेर सिंड्रोम, उसमें यही लफड़ा होता है कि माइलिन शीत टूट जाती है, और माइलिन शीत टूटने से जो इंपल्स सटासट जाना चाहिए था वो बहुत धीरे धीरे जाएगा। ओके डियर, चलिए तो अगला फंक्शन देखिएगा, कुछ काम की चीजें देख लीजिएगा इस फंक्शन से, कि एक बच्चा, इन्फेंट, छोटा बच्चा, उसका रेस्पॉन्स बहुत स्लो होता है। क्यों? जब एक न्यूबॉर्न, एक बच्चा पैदा, उसके सारे न्यूरॉन माइलिनेटेड नहीं होते। आज मेरी बॉडी में जहां जहां माइलिनेशन है वहां माइलिनेशन हो चुका है, लेकिन एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी नर्वस सिस्टम मैच्योर नहीं होता। नर्वस सिस्टम मैच्योर नहीं होने का मतलब क्या है, कि उसके सारे न्यूरॉन्स माइलिनेटेड नहीं होते, और माइलिनेटेड नहीं होंगे इसका मतलब बच्चे का ब्रेन ऑर्डर भी देगा तो हाथ तक पहुंचने में टाइम लगेगा, थोड़ी देर के बाद हाथ उठेगा, हाथ बहुत हल्का उठेगा। ये सारी बच्चों में इसलिए रेस्पॉन्स धीरे होते हैं क्योंकि उसमें माइलिनेशन नहीं होता। एन इन्फेंट रेस्पॉन्स आर स्लो, बहुत धीरे होता है और अनकोऑर्डिनेटेड होता है, क्योंकि बाई चांस ब्रेन ने ऑर्डर दिया बाइसेप्स के लिए, और दोनों के बीच में माइलिन शीत नहीं है तो करंट साइड वाली नर्व में चला गया, मसल में चला गया, ब्रेकियो रेडियल इसको मिल गया और हाथ ऊपर उठने की जगह कैसे ऊपर उठ गया, डेल्टोइड में चला गया, यूं उठ गया, ये हो गया। इसलिए बच्चों में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं होता, बच्चा चलना तो चाहता है और धड़ाम से गिर जाता है। वो इसलिए गिर जाता है क्योंकि इसकी मसल्स को कोऑर्डिनेटेड ऑर्डर नहीं मिल रहा। ओके डियर, क्यों? क्योंकि इसमें क्या नहीं हो रहा, माइलिनेशन पूरा नहीं हुआ, अभी हो रहा है। अच्छा, माइलिनेशन स्टार्ट कब होता है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे एम्ब्रियोलॉजी में घुस के क्वेश्चन पूछेगा तो भी पूछेगा, नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी में घुस के पूछेगा तो भी क्वेश्चन आएगा, और अगर एमएसएन में जाएगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस और गुलियन बेर सिंड्रोम में तो भी क्वेश्चन आएगा। पीएनएस में, खासकर सीएनएस में तो माइलिनेशन हुआ हुआ रहता है जब बच्चा पैदा होता है, याद रखिएगा, ठीक है, तब सीएनएस में तो माइलिनेशन हुआ सकता है, हुआ हुआ रहता है। पीएनएस में लेट होता है, यानी मेरी क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व का माइलिनेशन लेट होगा। जब मैं अपनी माँ के पेट में था और 4 महीने का था तब मेरी नर्व का माइलिनेशन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद मैंने अगले 5 महीने पेट में गुजारे, उसके बाद मेरा बर्थ हुआ, बर्थ होने के अगले 2 साल तक भी मेरा माइलिनेशन होता रहा। यानी कुल मिला के पीएनएस का माइलिनेशन कितने दिनों तक होता है, 2 साल 5 महीने, 2 साल और 5 महीने, 5 महीने मदर के वुम्ब में और पैदा होने के बाद अगले 2 साल तक पीएनएस का माइलिनेशन होता रहता है। तो आपसे पूरा तो यूं नहीं पूछेगा, आपसे केवल स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पूछेगा कि माइलिनेशन ऑफ पीएनएस स्टार्ट्स एट व्हाट एज, व्हाट इंट्रायूटराइन एज, तो जवाब आएगा 4 महीने, एंड माइलिनेशन ऑफ पीएनएस कंप्लीट्स इट एट व्हाट एज,
योर आंसर विल बी 2 ईयर्स। 2 साल के बच्चे के बाद में सारा नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करने लग जाता है। जो पहले यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस था, जो एन्यूरेसिस था, यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा था, स्टूल कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो सारी चीज़ें कंट्रोल होने लग जाती है। अब यूरिनरी स्पिंक्टर पे कंट्रोल है, अब एनल स्पिंक्टर पे कंट्रोल है, क्योंकि पीएनएस की नर्व क्या हो गई है, माइलिनेटेड हो गई है। एंड लास्ट फंक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन भी गिना जा सकता है, एक्सोन का रीजनरेशन। मैंने कहा था कि सीएनएस में एक्सोन्स जो होते हैं, जो माइलिन शीथ बनी उसके ऊपर न्यूरिलेमा नहीं होती, जबकि पीएनएस के न्यूरॉन्स के ऊपर क्या बन गई है, न्यूरिलेमा बन गई है। व्हेन एन एक्सोन इज इंजर्ड इन पीएनएस, पीएनएस में जब एक एक्सोन इंजर्ड हुई है तो जो न्यूरिलेमा है, ये जो स्वान सेल से बनी है, वो रीजनरेशन करवाती है। एक बार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है कि एक्सोन रीजनरेशन कहाँ पॉसिबल है सीएनएस, इस पूछा था, ऑप्शन ए ब्रेन, एक्सोन रीजनरेशन इज पॉसिबल एट ब्रेन, ऑप्शन बी स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन सी क्रेनियल नर्व, एंड ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हाइपोथैलेमस एंड क्रेनियल नर्व। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस में, हाइपोथैलेमस भी सीएनएस में, स्पाइनल नर्व पीएनएस में, वहां पर रीजनरेशन हो सकता है। याद रखिएगा डियर, लास्ट में विच सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यूरिलेमा, तो आपका जवाब होगा स्वान सेल। लास्ट में अगर माइलिन शीथ डैमेज हो जाए, तो उस पंगे को किस नाम से जाना जाएगा, दैट पंगा विल बी नोन एज डीमाइलिनेशन, उस प्रोसेस को कहा जाएगा डीमाइलिनेशन। क्या होता है डीमाइलिनेशन, गौर से सुनिएगा कि ये मेरा सीएनएस का न्यूरॉन है, ऐसे ये एक न्यूरॉन एक्सोन, ये दूसरा सोमा और उसके एक्सोन, और यहाँ मैं पीएनएस बना रहा हूँ, ये पीएनएस का सोमा और एक्सोन, ये पीएनएस का सोमा और एक्सोन। यहाँ पे कौन सी सेल ने कवर किया, स्वान सेल ने, और एक नर्व को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी स्वान सेल लगती है, इतनी देखिए, इतनी स्वान सेल है, जबकि वहाँ नहीं होगी, वहाँ तो एक ही ओलिगोडेंड्रोसाइट की ब्रांच यहाँ पर भी लपेट देगी, इसको भी लपेट देगी, यहाँ पे भी लपेट देगी, ये लीजिए कितनी सारी इसकी ब्रांचेज है, उन सब ब्रांचेज ने, एक ही ओलिगोडेंड्रोसाइट ने 3-4 न्यूरॉन को माइलिनेटेड कर दिया। अब क्या होगा सुनिएगा, अगर किसी वजह से माइलिन शीथ टूट गई, कहाँ की माइलिन शीथ टूट गई, सीएनएस की माइलिन शीथ टूट गई, यानी ब्रेन और स्पाइनल कोड की माइलिन शीथ टूट गई, तो उस बीमारी को यानी और माइलिन शीथ यहाँ सॉरी एस्ट्रोसाइट ना इसको करेक्ट कीजिएगा एस्ट्रोसाइट हटा के कीजिएगा ओलिगोडेंड्रोसाइट अगर ओलिगोडेंड्रोसाइट टूट गई है, डीमाइलिनेशन हो गया सीएनएस का, द प्रॉब्लम विल बी नोन एज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और अगर पीएनएस की स्वान सेल का डीमाइलिनेशन हो गया है, यहाँ स्वान सेल है, वहाँ ओलिगोडेंड्रोसाइट, इस बीमारी को क्या कहा जाएगा, जीबीएस कहा जाएगा, गुलियन बेयर सिंड्रोम, जीबीएस बोले तो गुलियन बेयर सिंड्रोम। 4 क्वेश्चन जनरेट होते हैं, चारों का फटाफट जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन जनरेट होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहाँ की बीमारी है, सीएनएस और पीएनएस, योर आंसर विल बी सीएनएस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस किसकी बीमारी है, ब्रेन की, स्पाइनल कॉर्ड की, दोनों की, या फिर क्रेनियल नर्व की। तो मैंने कहा सीएनएस की बीमारी है, इसका मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों की बीमारी है। गुलियन बेयर सिंड्रोम कहाँ की बीमारी है, ब्रेन की, स्पाइनल कॉर्ड की, क्रेनियल नर्व की, स्पाइनल नर्व की, या लास्ट वाली दोनों की। तो जवाब होगा लास्ट वाले दोनों की, दोनों पीएनएस है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। अगला क्वेश्चन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस कौन सी सेल के डैमेज होने से होता है, जवाब होगा ओलिगोडेंड्रोसाइट। और गुलियन बेयर सिंड्रोम कौन सी सेल के डैमेज होने से होता है, योर आंसर विल बी स्वान सेल। माइलिनेशन के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे हमने डिस्कस किए हैं। इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।